आज की वीडियो में मैंने जो आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है, अगर आप उस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो लिटरली गाइस आप ग्रेनेड किंग बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, वाओ। आज का जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है गाइस वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर गाइस आप ग्रेनेड यूज करते हैं तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप ही के लिए बना है। आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस ग्रेनेड यूजर्स के लिए होने वाला है और गाइस एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हम लोग क्लैश ऑफ स्क्वाड के लिए होने वाला है। दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस क्रोनो के साथ ही होगा और दोनों गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वीडियो को देखने के बाद गाइस आप क्लैश ऑफ स्क्वाड किंग बनने वाले हो। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेनेड का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, जो गाइस आप अगर ग्रेनेड यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसमें गाइस जो हम लोग का क्रोनो है वो एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर होने वाला है। अगर गाइस आप क्लोज रेंज में ग्रेनेड फेंकना चाहते हो तो गाइस क्रोनो उस वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्रोनो के साथ जो हम लोग का पहला पैसिव स्किल वाला कैरेक्टर होने वाला है वो होगा गाइस अल्वारो। तो गाइस अल्वारो आपकी ग्रेनेड के डैमेज और रेंज दोनों को इंक्रीज कर देगा, इसलिए गाइस हम लोग अल्वारो को यूज कर रहे हैं। हम लोग को जो दूसरा कैरेक्टर यूज करना है वो होगा गाइस मोको। तो गाइस जब भी हम एनिमी को डैमेज देंगे तो मोको उसके ऊपर एक टैग शो करेगा और गाइस उस टैग की मदद से हम लोग एनिमी का लोकेशन पता करके उसके ऊपर गाइस बहुत खतरनाक तरीके से ग्रेनेड फेंक पाएंगे। गाइस जो हम लोग का तीसरा और आखिरी कैरेक्टर के लिए स्लॉट है उसके लिए मैं आपको दो तीन कैरेक्टर बताऊंगा, उनमें से जो भी कैरेक्टर आपको अच्छा लगे उसको आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप मैक्सिम रख सकते हैं। अगर गाइस कोई आपको डैमेज देता है तो आप क्रोनो के शील्ड को ओपन करके तुरंत मेडिकेट लगा सकेंगे। अगर गाइस आप मैक्सिम नहीं रखना चाहते हैं तो आप लियोन रख सकते हैं। लियोन भी गाइस आपका हेल्थ को बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। और गाइस नहीं तो आप केली को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप रस करके खेलते हैं और एनिमी के ऊपर रस कर रहे हैं तो उस वक्त गाइस केली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्रोनो को यूज करना है, उसके साथ गाइस आपको अल्वारो को यूज करना है और गाइस उसके साथ हम लोग का मोको को यूज करना है। जो हम लोग का आखिरी कैरेक्टर होगा वो होगा गाइस केली। तो गाइस यही था हम लोग का ग्रेनेड का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो गाइस बहुत ही खतरनाक तरीके से ग्रेनेड को चला पाओगे और हर मैच जरूर से क्लैश ऑफ स्क्वाड का जीतोगे। तो चलिए गाइस अब हम लोग अपना दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो है गाइस क्लैश ऑफ स्क्वाड का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। गाइस ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको क्लैश ऑफ स्क्वाड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ग्रेनेड नहीं भी यूज करते हैं तो भी गाइस आप क्रोनो को यूज करेंगे तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्रोनो गाइस हम लोग का एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर होने वाला है। इसके साथ गाइस जो हम लोग का पहला पैसिव स्किल वाला कैरेक्टर होगा वो होगा लियोन। तो गाइस लियोन की एबिलिटी रहती है कि जब भी गाइस एनिमी आपका डैमेज देता है उसके बाद गाइस अगर आप कवर में चले जाते हैं या फिर मतलब एनिमी आपको डैमेज देना बंद कर देता है तो उस वक्त गाइस आपको इंस्टेंट 30 HP मिलने वाला है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है लियोन को। अगर इसको आप क्रोनो के साथ यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। अगर गाइस आपको कोई एनिमी डैमेज देता है तो आप तुरंत क्रोनो का शील्ड को ओपन करें और गाइस जैसे ही क्रोनो की आप एबिलिटी को ऑन करिएगा तो तुरंत आपको गाइस 30 HP मिल जाएगा। वैसे स्थिति में अगर आप एनिमी के ऊपर रस करेंगे तो गाइस आपको HP का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए गाइस हम लोग लियोन कैरेक्टर को रखेंगे अपना पहला पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर स्किल स्लॉट में। हम लोग का जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो होगा जोटा। तो गाइस जोटा की एबिलिटी रहती है कि जब भी आप एनिमी को डैमेज देते हैं तो उस वक्त गाइस आपको जो HP होता है वो इंक्रीज होता है और जैसे ही गाइस आप एनिमी को डाउन करते हैं उसके बाद गाइस आपको 20-30% HP मिलता है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है। अगर आप रस करके खेलते हैं तो वैसे स्थिति में गाइस ये वाला कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप रस करेंगे एनिमी पे तो गाइस आपको लियोन भी HP देगा, उसके साथ साथ गाइस जो जोटा है वो भी HP देगा। तो वैसे स्थिति में अगर आप एनिमी के ऊपर रस करें तो गाइस आपको HP का तो कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और गाइस आप बहुत इजीली अपने एनिमी को मार भी पाओगे। गाइस जो हम लोग का आखिरी स्किल स्लॉट है, हर बार की तरह उसके लिए मैं आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स बताऊंगा, उन सभी में से कोई भी कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हैं, उसको आप अपने गेम प्ले के हिसाब से ही चूज करें। तो गाइस सबसे पहले आप मैक्सिम को यूज कर सकते हैं। गाइस मैक्सिम आपको बहुत तेज मेडिकेट लगाने में हेल्प करेगा, मतलब गाइस 3 सेकंड में आप कोई भी मेडिकेट लगा लेंगे। जैसे ही गाइस आप क्रोनो आपको एनिमी डैमेज देगा आप क्रोनो का शील्ड को ऑन करेंगे और गाइस उस वक्त आप तुरंत मेडिकेट लगा सकते हैं। तो गाइस जो आपका मैक्सिम है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। या फिर आप केली को भी यूज कर सकते हैं। गाइस केली आपको मूवमेंट स्पीड देगा और गाइस क्लैश ऑफ स्क्वाड में अधिकतर टाइम आप शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हैं और गाइस क्लोज रेंज में फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है मूवमेंट स्पीड आपका, इसलिए गाइस आप केली को यूज कर सकते हैं। केली गाइस आपका 6% मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देने वाला है। या फिर गाइस आखिरी स्किल स्लॉट के लिए जो बेस्ट कैरेक्टर होगा वो होगा गाइस क्ला। तो गाइस क्ला आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगर गाइस आप क्रोनो के साथ इसको यूज करते हैं। जैसे ही गाइस क्रोनो का आप शील्ड को ओपन करेगा जो आपका एनिमी है उसको आपके ऊपर रस करेगा और जब गाइस आपका एनिमी आपके ऊपर रस कर रहा होगा तो आपके शील्ड के अंदर आएगा तो उसको गाइस अपने क्ला की एबिलिटी से बहुत इजीली मार पाइएगा। इसको गाइस आप अपने ग्रेनेड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में भी रख सकते हैं। तो गाइस जो हम लोग का आखिरी स्किल स्लॉट होगा उसके लिए आप क्ला को भी रख सकते हैं। तो गाइस जो हम लोग का क्रोनो है वो हम लोग का पहला एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर होगा। इसके साथ गाइस जो हम लोग
लोग दूसरा कैरेक्टर यूज करेंगे वो होगा लियोन। इसके साथ गैस जो हम लोग को तीसरा कैरेक्टर यूज करना है वो होगा जोटा। और गैस हम लोग आखिर इसके लिए स्लॉट में जो कैरेक्टर है वो है क्ला। तो गैस यहीं था आपका क्लास स्क्वाड का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्रोनो के साथ। लिटरली गैस अगर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को आप क्रोनो के साथ यूज करते हैं तो ये आपके लिए क्लास स्क्वाड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और गैस इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से आप कोई भी मैच को बहुत ही इजीली जीत पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि क्रोनो को कैसे यूज करते हैं या फिर गैस आपको क्रोनो से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखना है तो गैस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आपको गैस क्रोनो को यूज करना है। तो गैस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है गैस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। और गैस कमेंट में बताइएगा कि अगला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको किस कैरेक्टर का चाहिए। तो चलिए गैस मिलते हैं अगले वीडियो में।